केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनका संकल्प पूरा होने पर उन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि सिंधिया ने अपने हाथों में चप्पल उठाई हो और किसी को पहनाई हो। अक्सर उनके पैर छूते ही लोग नजर आते हैं। यह देखकर लोग काफी आश्चर्यचकित हो रहे थे। हालांकि चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पैर छुए। यह सब सिंधु विहार कॉलोनी में अटल जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में हुआ। फूलबाग से सेवानगर रोड गेंद वाली सड़क आदि की हालत खराब थी और इनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था और लोग परेशान थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने इस समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी शिकायत की। इसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वे जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। ऊर्जा मंत्री के संकल्प लेने के बाद अफसर हरकत में आए और उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य को तेजी किया और उसे पूरा किया। अब तकरीबन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए ऊर्जा मंत्री का संकल्प भी पूरा हो गया। गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम शाम को होना है, लेकिन इससे पहले सिंधु विहार कॉलोनी में अटल जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर उन्होंने संकल्प पूरा होने पर चप्पल मंगवाई और अपने हाथों से उन्हें ऊर्जा मंत्री के पैरों में अपने हाथों से पहनाया। जब सिंधिया चप्पल पहना रहे थे तो ऊर्जा मंत्री ने मना किया और कहा कि वे पहन लेंगे, लेकिन सिंधिया ने उन्हें चप्पल पहना दी। इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अरे यार हाथ को डाल यार, अरे यार मुझे सुना तो अच्छे से पहनो, नहीं तो निकल जाएगा पीछे तो हो जाए।